दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। बहुत ही टेस्टी लगता है सूजी का हलवा खाने में। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो हमने ले लिया है, ये देखिए सूजी, महीन वाला है ये सूजी। तो एक कप हमने ले लिया है सूजी। तो हम कप, एक कप नाप कर, ये देखिए इस कप से नाप कर हमने सूजी ले लिया है। तब नाप कर आपको बताएंगे कितना सूजी। तो हमने दो कप सूजी लिया है, ये देखिए। आप किसी भी बर्तन से नाप लें, कप, ग्लास या कटोरी। ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया है, काजू, बादाम, किशमिश और इलायची। इलायची के छिलका हटा दिए हैं, तो इलायची को हम पाउडर बना लेंगे। तो हमने ले लिया चीनी और ले लिया है हमने देसी घी, ये देखिए। तो चीनी भी हम आपको नाप कर बताएंगे, कम मीठा या ज़्यादा मीठा, जैसा भी आपको खाना पसंद हो। तो हमने इस कप से नाप कर 1.5 कप चीनी लिया है इसमें। तो इस कटोरी में हमने नाप कर डाल दिया 1.5 कटोरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं हम, देखिए। तो उसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो इसमें हम डाल देते हैं देसी घी। देसी घी आप चाहे तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी का हलवा में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अब घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाल देंगे। तो सूजी हमने 1 कप डाल दिया है, तो ये भी उसी कप से हमने नापा था। तो टोटल 2 कप सूजी डाल दिए हैं। तो अब इसको चला देते हैं और धीमी आँच पर आपको लगातार चलाते हुए भून। आप चाहे तो हाई फ्लेम पर भून सकते हैं, पर उसको चलाते रहिएगा। अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो जल जाएगा। तो हम हल्का मीडियम आंच पर भून रहे हैं ताकि सूजी जले ना, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो इसको चलाते हुए भूने। ये देखिए इतना फ्लेम पर हम भून रहे हैं सूजी को। अगर आप हाई फ्लेम पे भूने तो उसको चलाते हुए लगातार भूनिएगा। तो ये देखिए हम भून रहे हैं सूजी को। तो कुछ देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सूजी हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। ये देख सकते हैं, हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सूजी को भून रहे हैं। तो हल्का भून चुका है, थोड़ा सा डार्क या गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा सूजी को और भुनेंगे हम। तो इसको चलाते हुए भुने। तो कुछ देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये देखिए सूजी को हमने गोल्डन ब्राउन भून लिया है, ये देख सकते हैं हम। तो इतना ही डार्क आपको भी भून लेना है। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए हम गिलास से पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास पानी ले लिए। टोटल आपको 3 गिलास पानी डाल देना है, क्योंकि सूजी का हलवा जब भी बनाए तो सूजी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और मीठा हम नॉर्मल मीठा पर बना रहे हैं, तो हम 1 कप चीनी का यूज किए हैं। अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है, नॉर्मल मीठा नहीं आप खाते, तो आप 1.5 कप टोटल चीनी डाल सकते हैं, जितना चीनी हमने कटोरी में नाप कर रखा था। तो अब इसमें हम साथ में ही डाल देते हैं किशमिश, ये देखिए बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो नॉर्मल मीठा पर हम 1 कप बना चीनी डाल दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा मीठा एक्स्ट्रा खाते तो आप 1.5 कप चीनी डाल दीजिएगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची का पाउडर, ये देखिए ये भी हमने डाल दिया है। तब उसको भी मिक्स कर देते हैं और हाई फ्लेम पर या लो हाई फ्लेम पर आप चलाते हुए इसको पकाना है आपको। तो थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए सूजी में पानी काफ़ी सूख चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको और अब आपको इसको धीमी आंच पर ही अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए पानी सूख गया है पूरा, ये देखिए। अभी उतना भी नहीं है क्योंकि अभी हम चला रहे हैं, तो अभी काफ़ी गीला है ये। तो इसको पूरा सूखा कर लेना है अच्छे से आपको। सूजी का हलवा जब भी उसमें पानी आप जैसे कम हो जाए तो आप ऊपर से भी पानी डाल कर पका सकते हैं ये, क्योंकि सूजी में काफ़ी पानी लगता है। तो सूजी ये देखिए काफ़ी सूख चुका है, हमने लगातार चलाते हुए इसको पकाया है। 6-7 मिनट हो गया है।
अब रेडी हो चुका है ये, पानी सूख गया है सूजी में, तो गैस हमने बंद कर दिया है। ये देखिए एकदम अच्छे से, थोड़ा सा गीला गीला टाइप आपको अगर ज़्यादा दरदरा दिखेगा तो समझिए अच्छे से नहीं पका है वो। तो ये देखिए हम आपको पास से भी दिखा देंगे। तो एक प्लेट में सूजी को निकाल लेते हैं, तो ये हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए सूजी एकदम अच्छे से फूल गया है, ये देखिए आप, बहुत ही टेस्टी बना है सूजी का हलवा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, पूरा डाल देंगे। तो हमने सभी सूजी के अलावा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम, और बहुत ही टेस्टी बना है ये सूजी का हलवा। अब ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए। हम आपको पास से दिखा देते हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी बनाइए टेस्टी टेस्टी सूजी का हलवा, बहुत ही टेस्टी लगता है सूजी का हलवा खाने में। तो बनाइए गर्मा गर्म और खाइए, और अपने परिवार को भी खिलाइए टेस्टी टेस्टी सूजी का हलवा। हमने एक वीडियो और बनाया है सूजी का हलवा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप नीचे देख सकते हैं।